दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में कर्फ्यू लग चुका है। आज 22 मार्च है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, आखिर क्यों जनता कर्फ्यू लागू किया गया? मैं आपको बता दूं कि पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है और पूरी दुनिया इससे खौफ खा रही है। इंडिया में भी इन्होंने दस्तक दे दिया है और पूरा भारत अलर्ट पे है और कई सौ मरीज जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनको ढूंढ निकाला गया है। लेकिन लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल चल रहा है जिसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि आज का दिन यानी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू इसलिए लागू किया गया कि कोरोना वायरस को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से दवाइयाँ छिड़की जा रही है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो वो दवाई आपके शरीर पर पड़ेगा और वो आपके स्किन को जला सकता है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। ऐसे में साफ तौर से मनाही की जा रही है कि आप घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस को ख़त्म करने वाली जो दवाइयां हेलीकॉप्टर से छिड़की जा रही है वो आपके चेहरे पर पड़ सकता है। पूरी खबर की पड़ताल में लेकर आया हूँ, आखिर क्या वजह है कि इस दवाई को छिड़का जा रहा है और क्या वजह है कि इसको लगातार सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई गाइडलाइन तैयार नहीं किया गया है कि 22 मार्च को कोरोना वायरस से निपटने के लिए आसमान से दवाई छिड़की जाएगी। और कोरोना वायरस से जुड़ी कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि छिड़कने के बाद उसका वायरस खत्म हो जाए, यानी कि सोशल मीडिया में फैलने वाली ये खबर झूठी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को आप माने, जनता कर्फ्यू में आप सहयोग करें, सहयोग से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के दिन यानी कि 7 बजे से रात 9 बजे तक आपको घर से नहीं निकलना है और पूरे देश को आपको सहयोग करना है। सहयोग इस बात का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों, घर के बाहर ना जाएं, दूसरे से आप ना मिलें। यही बड़ी वजह है कि आपको कोरोना फैल सकता है। जी हाँ, दूसरे से मिलने से, अनजान लोगों से बात करने से, उनको छूने से या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इसके लिए मनाही की है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के जरिए सही जानकारी मिली तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।